लाहौर पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दिए गए बयान में यह कहा है कि चेयरमैन पीटीआई पुलिस तफ्तीश में गुनाहगार पाए गए हैं। ड्यूटी जज ने चेयरमैन पीटीआई की 8 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। 9 मई को यौमे स्याह करार दिया गया। सब ने जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकये की मजम्मत, लेकिन ये पता ना चला कि कौन है शहरियों को अपने ही इदारों के खिलाफ उकसाने वाला। आज इस सवाल का जवाब मिल गया, पता चल गया कौन है सानहा 9 मई का जिम्मेदार। पुलिस ने उस शख्स की खोज लगा ली। जेआईटी ने चेयरमैन तरीके इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। जी, चेयरमैन पीटीआई ही थे जिनके उकसाने पर कारकुनों ने जलाओ घेराव किया, अहम तनसीबात पर हमला किया, शहदा की यादगारों को जलाया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, जिसके मुताबिक 9 मई के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई। पुलिस के मुताबिक कारकुनों को उनके कप्तान की तरफ से उकसाया गया। 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों पर भी 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने वकला को दलाल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन पर मुकदमात दर्ज है।